अगेन एनदर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। इस केस में जस्ट चेक करना है आपको असाइनमेंट्स, इस किस केस में असाइनमेंट्स वैलिड है, किस केस में असाइनमेंट इनवैलिड है। मीन सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले आप कंपाइलेशन के लिए टेस्ट करो, मीन इस कोड के अंदर कहीं कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। सपोज तरह अगर किसी भी सोर्स कोड के अंदर कंपाइल टाइम एरर रेज होता है तो उस केस में आउटपुट चेक करने की नीड ही नहीं, क्योंकि अगर कोड कंपाइल ही नहीं हो तो एग्जीक्यूशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ देन ट्राई किसके लिए करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में सिंपली बी वन में असाइन क्या किया, 10। 10 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटीजर टाइप है, लेकिन इसका टाइप क्या है, कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट और इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल अगर विदिन अ रेंज है देन बाइट में डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल था। इस केस में ए क्या है, अगेन कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल मीन्स क्या, अगेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स इस केस में कंपाइलर से हो रहा है। इस केस में कंपाइलर असाइनमेंट परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, और ए का आस्की वैल्यू क्या है, 97 मीन्स ए, फिर से याद रखना ये कोई वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट का आस्की वैल्यू कंपाइलर के लिए ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसलिए कंपाइलर असाइनमेंट टेस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू आस्की वैल्यू। स्मॉल ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, जस्ट 97, और 97 अगेन बाइट के रेंज के अंदर, इसलिए असाइनमेंट भी कैसा है, ऑल्सो वैलिड। यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि असाइनमेंट बाइट के थ्रू कैरेक्टर का करा रहे हैं जबकि टाइप क्या है, बाइट। तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ भी तो कंपेयर करना चाहिए, 10 का भी टाइप क्या था, इंटीजर नॉट अ बाइट, लेकिन फिर भी ये बाइट में असाइन हो जस्ट बिकॉज ऑफ विदिन अ रेंज। अगर कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू विदिन अ रेंज लाई कर रहा है उस केस में कभी भी कोई कंपाइल टाइम एरर रेज नहीं हुआ, इस टाइप चाहे वो कंटेंट डिफरेंट टाइप्स को, इस कंटेंट का टाइप क्या है, इंटीजर या कैरेक्टर, थ्री असाइनमेंट्स कैसे हैं, वैलिड। सेम एज कैरेक्टर सी है, सी एच में भी कैरेक्टर साइन किया, डेटा टाइप भी कैरेक्टर, इस केस में कोई एरर आने की चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट वन शॉर्ट, शॉर्ट में क्या साइन किया, 254 अगर डायरेक्टली बाइट में साइन करने के लिए ट्राई करते देन क्या था, कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। लेकिन इस केस में 254 शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के रेंज के अंदर है, इसलिए असाइनमेंट कैसा है, वैलिड। नेक्स्ट वन डी इक्वल टू 2.5, बाई डिफॉल्ट डेसिमल नंबर का डिफॉल्ट टाइप कंसिडर होता है एज डबल, और डी का टाइप भी क्या है, ऑल्सो डबल, इसलिए असाइनमेंट कैसा है, वैलिड, डजंट मैटर। यहाँ एफ की बात करें तो एफ का टाइप क्या है, फ्लोट, असाइन क्या किया, 2.5 एफ। अगर इस प्लेस पर 2.5 डायरेक्टली असाइन करते देन क्या रेज होता, कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड डबल, रिक्वायर्ड फ्लोट। लेकिन इस केस में कंटेंट्स का भी टाइप क्या है, फ्लोट। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, अगर किसी फ्लोट वेरिएबल में डेसिमल टाइप का नंबर असाइन करोगे तो इस केस में वैलिड असाइनमेंट्स के लिए टू पॉसिबल केस थे, या तो इस वैल्यू को एफ से क्वालिफाई करोगे, मे बी स्मॉल और कैपिटल एफ, और दूसरा भी क्या था, यूजिंग टाइप कास्टिंग इन टू फ्लोट। ये केस भी कैसा, वैलिड, देयर इज नो एरर। लॉन्ग एल, एल लॉन्ग का टाइप, एल का टाइप क्या है, लॉन्ग, तो इसमें लॉन्ग टाइप का भी वैल्यू साइन करना पॉसिबल था, इंटीजर भी पॉसिबल था। यहाँ 10 एल फॉर्मेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, एल लॉन्ग, मीन्स लॉन्ग वैल्यू का भी टाइप क्या, लॉन्ग, असाइनमेंट भी किस में रहा है, लॉन्ग, इसलिए असाइनमेंट कैसा, वैलिड। नेक्स्ट वन केयर सी एस टी इक्वल टू 256, ऑलरेडी डिस्कस किया जावा के केस में कैरेक्टर का साइज क्या, 2 बाइट, रेंज क्या था, बिटवीन 0 to 65535। वन मोर केस, जावा के केस में कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप था जिसके अंदर कभी भी निगेटिव नंबर स्टोर करना पॉसिबल नहीं, मीन्स वी कैन से अनसाइंड। रिमेनिंग सारे डेटा टाइप्स कैसे हैं, साइंड, मीन्स निगेटिव नंबर भी असाइन करना पॉसिबल, पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। दूसरा केस, इसका मैक्सिमम रेंज क्या है, सी लैंग्वेज में 255 था, इसलिए कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जावा के केस में इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, 65535, और 256 इस रेंज से छोटा, इसलिए डायरेक्टली भी असाइनमेंट करना पॉसिबल था, फिर भी अगर मैनुअली टाइप कास्टिंग किया तो उससे कोई एरर नहीं आएगा। क्लियर? रिमेनिंग केसेस में सिंपली वैल्यू डिस्प्ले कराए इस इन प्लेसेस पर, स्पेस को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के प्लेस पर जस्ट यूज किया गया एसओपी स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, इस केस में मीन्स कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो रहा है, इसलिए टेस्ट क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन। जैसे ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ तो इसके अंदर क्रिएट क्या हुए, लोकल वेरिएबल्स, और ऑलरेडी आपको पता लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किस प्लेस पर होते हैं, इनसाइड स्टैक एरिया। तो इस केस में जितने भी मैसेज होंगे, हर मैसेज डिस्प्ले कराएं मॉनिटर, प्लस सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी, तो सारे लोकल एक साथ क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले जब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा, बी वन बी टू सी एच एस वन डी एफ एल एंड सी एच टू, देन वैल्यू भी डायरेक्टली असाइन कराएं। जब बी वन के केस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, असाइन क्या होगा, 10। बी टू के केस में ए, ए इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आस्की वैल्यू 97।
इस केस में साइन क्या हो, बाइनरी वैल्यू ऑफ 97 जो कि बाइट के रेंज के अंदर है। सेम एज कैर सी एच इक्वल्स टू ए, इंटरनली ए के प्लेस पर क्या स्टोर होगा, बाइनरी नंबर ऑफ 97, क्योंकि मेमोरी लेवल पर असाइनमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। और बाइनरी नंबर कभी कैरेक्टर्स के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल, इसलिए बाइनरी नंबर किस लिए कैलकुलेट होंगे, देयर आस्की वैल्यू। और वी कैन से जावा केस में आस्की वैल्यू बोल के इसको नेम देंगे जाए यूनिकोड वैल्यूज, क्योंकि जावा सपोर्ट क्या करता है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट। सेम एज डी, डी के केस में जस्ट असाइन क्या हुआ है, डी को मैं जस्ट क्रिएट करना बोल गया, उसमें डी वैल्यू इज 2.5। नेक्स्ट वन एफ, एफ के केस में बात करें, सॉरी डी अवेलेबल था, डी से पहले क्या एस वन, तो एस वन में क्या था होगा 254 विद इन अ रेंज है। देन डी 2.5, नेक्स्ट वन एफ, एफ के केस में स्पेशली याद रखना, या मैंने आसान क्या किया 2.5 एफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेमोरी में भी 2.5F राइट करोगे, F ओनली कंपाइल टाइम इंस्ट्रक्शन है, नॉट अ रन टाइम इंस्ट्रक्शन। मीन्स मेमोरी के अंदर ओनली 2.5 का ही बाइनरी नंबर स्टोर होगा। डी के केस में 2.5 कितने बाइट्स में स्टोर होगा, 8 बाइट, बिकॉज डी का टाइप क्या डबल, और डबल का साइज क्या रहता है 8 बाइट। F के केस में सेम वैल्यू कितने बाइट में स्टोर होगा, ओनली 4 बाइट्स। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद क्या है, L, L के केस में असाइनमेंट क्या करा है 10L, लेकिन याद रखना मेमोरी के अंदर ओनली क्या स्टोर होगा, ओनली 10 नॉट अ L। मीन्स क्वालिफायर्स कभी भी मेमोरी लेवल पर स्टोर नहीं होंगे, और ना ही कभी इनको डिस्प्ले कराओगे, मीन्स क्वालिफायर कभी भी प्रिंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन सी एस टू इक्वल टू 256, तो स्पेस पर सी एस टू में भी क्या आसान हो जाएगा 256 इटसेल्फ। याद रखना मेमोरी में कैरेक्टर्स या सिंबल कभी डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद डिस्प्ले क्या करा फर्स्ट केस में बी वन, और बी वन का वैल्यू क्या 10। सेकेंड केस में क्या प्रिंट हो रहा है बी टू का वैल्यू क्या 97। बी थ्री एस वन, एस वन का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, एस वन के केस में जस्ट 254। वन मोर केस में चेक कर लेना कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल तो नहीं है, नहीं अभी तक तो नहीं है। इसके जस्ट बाद डी, डी के केस में डी का टाइप क्या था डबल, मीन्स डायरेक्टली क्या डिस्प्ले हो जाएगा डबल डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या है 2.5। नेक्स्ट वन एफ, एफ के केस में क्या प्रिंट होगा ओनली 2.5। फिजिकली एफ में क्या आसान किया 2.5 एफ, लेकिन डिस्प्ले क्या हुआ ओनली 2.5, क्वालिफायर नेवर गोन टू बी प्रिंटेड। नेक्स्ट वन एल, एल के केस में भी असाइनमेंट क्या कराया था 10L, लेकिन डिस्प्ले क्या हुआ ओनली 10 नॉट अ एल, क्वालिफायर्स कभी प्रिंट नहीं होते। सी एस टू, सी एस टू के केस में स्टोर क्या 256, इस केस में वो कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ जिसका आस्की वैल्यू 256 है, और यूनिकोड वैल्यू, इस कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू 256 हो, कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ। लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें सिंपली डॉस प्रॉम्प्ट कभी भी यूनिकोड सिंबल्स को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में क्या डिस्प्ले हुआ क्वेश्चन मार्क। मीन्स आप 0 से लेकर 255, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू कैरेक्टर्स के फॉर्म में प्रिंट कराओगे एवरी टाइम क्या डिस्प्ले हुआ क्वेश्चन मार्क। अगर आप चाहते हो इसे एग्जैक्ट यूनिकोड कैरेक्टर या सिंबल डिस्प्ले कराना है, देन आपके पास एडिटर या कंसोल भी कैसा होना चाहिए, यूनिकोड कंसोल, लाइक है आई डी गिवन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप कोई आई डी सॉफ्टवेयर यूज करें लाइक ए नेट बीन्स और इक्लिप्स, उस केस में आपके लिए कोई भी यूनिकोड वैल्यू डिस्प्ले कराना पॉसिबल, उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू डिस्प्ले हुआ ना कि क्वेश्चन मार्क। क्लियर।